दोस्तों, अगर आप एक प्रोफेशनल लोगो और अट्रैक्टिव लोगो बनाना चाहते हैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप एक एप्लीकेशन की मदद से प्रोफेशनल और अट्रैक्टिव लोगो अपने यूट्यूब चैनल के लिए कैसे बना सकते हैं। दावा करता हूं कि इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद आप एक प्रोफेशनल लोगो बनाना सीख जाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज मैं जिस एप्लीकेशन की मदद से आपको प्रोफेशनल लोगो बनाना सिखा रहा हूं, उस एप्लीकेशन का नाम है पिक्सल लैब। उसकी लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलने के बाद आप उसको डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद एक पिक्सल लैब का इंटरफेस दिखाई देगा। उसके बाद हमको करना क्या है, सबसे पहले हमको एक जो लिखा आ रहा है नीचे, उस पर क्लिक करना है और नीचे जाके हमको फॉन्ट ढूंढना है। फॉन्ट ढूंढ लेंगे, फॉन्ट पे क्लिक करना है हमको। और यहाँ पर दोस्तों देखिए, कई सारे फॉन्ट्स आ चुके हैं। इन फॉन्ट्स की मदद से भी आप अपना लोगो बना सकते हैं, मगर मैंने एक अच्छा और शानदार एक फॉन्ट डाउनलोड किया है। उसका नाम है फैकॉन। इसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा। वहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर लीजिएगा। और यहाँ पर टी जो लिखा आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करके आप इसको सेलेक्ट करके इस फॉन्ट को यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के बाद इस पर मैं क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा। ओके करने के बाद यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स पर हमको डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर हमको अपने चैनल का फर्स्ट लेटर डाल देना है, जो भी आप डालना चाहते हैं। आपका जो भी चैनल का नाम है वो आप डाल सकते हैं। जैसे मेरा अभी राठौर है, तो मैं AR डालूंगा। जैसे मैंने A डाला पहले, इसका साइज मैं बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने के बाद मैंने यहाँ पर सेट कर लिया है। उसके बाद ऊपर जाना है मेरे को, पैडिंग पे क्लिक करना है और लेफ्ट पैडिंग और राइट पैडिंग मेरे को बढ़ा देनी है, अपने हिसाब से मेरे को सेट कर लेना है। उसके बाद हमको इसको टिक कर लेना है। उसके बाद दोस्तों हमको करना क्या है, उसके बाद हमको ऊपर जाना है और कॉपी लिखा रहा है उस पर कॉपी पे हमको क्लिक कर देना है, तो इसका एक अल्टरनेट बन जाएगा। इस पर हमको डबल क्लिक करना है और यहाँ पर चैनल का जो सेकंड नेम है उसको हमको क्लिक कर देना है। जैसे मेरा अभी राठौर है, तो मैं AR लिखूंगा। ये यहाँ पर मैंने सेट कर लिया है। उसके बाद दोस्तों A के बगल में एक हेक्सागोनल शेप का बना आ रहा है, उस पर हमको क्लिक करना है और शेप्स पे हमको क्लिक करके यहाँ पर हमको सर्कल सेलेक्ट कर लेना है। ओपेसिटी हमको 0 कर देनी है, नीचे आ जाना है। स्ट्रोक विड्थ हमको 20-24 के बीच रख लेनी है। आप जैसा चाहते हैं विड्थ इसकी, वैसा रख सकते हैं। चलिए मैंने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पर कलर इसका वाइट सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर ओके कर देता हूँ और मैं अपने हिसाब से इसको सेट कर लेता हूँ। जिस हिसाब को आपको ज़रूरत होगी उस हिसाब से आप अपना सेट कर सकते हैं। देन आपको क्या करना है, यहाँ लेयर वाले इस पे ऑप्शन पे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर नीचे टिक मार्क आ रहा है उस पे हमको क्लिक करना है, टिक पे क्लिक करना है। उसके बाद हमको तीनों चेक बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर जो टिक के लेफ्ट साइड में आ रहा है उस पर हमको क्लिक करना है। एक कन्फर्मेशन मैसेज आएगा कि इनको मर्ज करना है, ओके कर देना है। ये तीनों मर्ज हो जाएंगे। उसके बाद लेयर पर दोबारा क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों हमने इसमें मेटेलिक टेक्सचर का यूज़ किया है, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो वहां से आप मेटेलिक टेक्सचर जो है वो डाउनलोड कर लेना। उसके लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, हमको अपने लोगो पर क्लिक करना होगा और यहाँ हेक्सागोनल पर जाना होगा। नीचे जाने के बाद टेक्सचर दिखेगा, टेक्सचर पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपको टेक्सचर जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक मेटेलिक टेक्सचर की, वहाँ पर डाउनलोड कर लेना। उसके बाद आपको वो गैलरी में यहाँ से ले जाएगा। तो इसको मैं क्लिक करता हूँ, डायरेक्ट हम गैलरी में पहुँच जाएंगे और यहाँ पर मेटेलिक टेक्सचर जो है उस पर क्लिक करके हम इसको ले लेंगे। ये देखिए, यहाँ पर मेटेलिक टेक्सचर यहाँ पर ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पर आप स्केल भी आप सेट कर सकते हैं, किस हिसाब से आप इसको चाहते हैं अपने लोगों को। उसके बाद इसको टिक कर देंगे। उसके बगल में हेक्सागोनल शेप के बगल वाले ऑप्शन पर हमको क्लिक करना है, नीचे आ जाना है। फ्रॉम गैलरी आ रहा है, फ्रॉम गैलरी यहाँ से हम लोग क्या सेलेक्ट करेंगे दोस्तों, बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे। बैकग्राउंड अगर आपके पास अच्छा है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं, और जो मैं यूज़ करने वाला हूँ उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वो भी आप लगा सकते हैं। तो फ्रॉम गैलरी पर सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर इमेज जो है मैंने ये लिया है क्योंकि मुझे अच्छा लगा है, ये मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर बीच में आके मैं इस लोगो को सेट कर लेता हूँ। सेट कर लिया है। उसके बाद सबसे आखिरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करके हमको बैकग्राउंड पर क्लिक करके यहाँ पर बैकग्राउंड का कॉन्ट्रास्ट ब्राइटनेस हम बढ़ा सकते हैं। जिस हिसाब से आप चाहते हैं उस हिसाब से आप अपना कॉन्ट्रास्ट और ब्राइटनेस सेचुरेशन बढ़ा सकते हैं। चलिए मैंने यहाँ पर ये सेट कर लिया है, टिक पर क्लिक कर देंगे हम। लोगो पर सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको शेडो पर आना है, शेडो पर इनेबल करना है और यहाँ पर आके आप कोई सा भी कलर जो इसके ऊपर चढ़ाना चाहते हैं, रेडियस और यहाँ पर स्ट्रोक आप चढ़ाना चाहते हैं वो आप ले सकते हैं। जैसे मैंने ब्लर रेडियस कर दिया, देखो कितना अट्रैक्टिव लग रहा है एकदम। वाई एक्सेस और एक्स एक्सेस के हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कैसा आपको चाहिए। तो चलिए मैंने यहाँ पर सेट कर लिया, ओके कर दिया है। उसके बाद आपको इनर शेडो पे आना है, इनेबल करना है और इनर शेडो आप जैसे भी चाहते हैं अपने लोगो की वैसे आप सेट कर सकते हैं, वाई जैसा भी कलर आप चाहते हैं वैसा सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा लोगो बन चुका है, अट्रैक्टिव लग रहा है, प्रोफेशनल लग रहा है। ये अब जब हमारे यूट्यूब चैनल पर लगेगा तो एक अलग ही लुक देगा। तो दोस्तों ये आज मैंने आपको प्रोफेशनल लोगो बनाना सिखाया है। अगर आपका इस वीडियो पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है
और अगर आप चाहते हैं कि मैं इससे भी अच्छा एक प्रोफेशनल एडवांस लेवल का प्रोफेशनल लोगो बना के दिखाऊं, तो आप वीडियो को लाइक करना, वीडियो को सपोर्ट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट्स करके जरूर बताना कि आपको नीड है या नहीं। अगर आपको नीड होगी तो बिल्कुल मैं आपको एक एडवांस लेवल का प्रोफेशनल लोगो बना के दिखाऊंगा। तो चलिए, यही थी आज की हमारी वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।